हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने टिश्यू सिस्टम्स पे किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, टिश्यूज़ पे किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ये सारे पार्ट को देखा। अब जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, वो है एक्चुअल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसमें हम लोग स्टेप वाइज जाएंगे, रूट, स्टेम और लीफ, और यहाँ किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। लाइन बेस्ड, डायग्राम बेस्ड, मैच द कॉलम, फंक्शन बेस्ड, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ऐसा कोई टाइप नहीं जो यहाँ मिलेगा नहीं। सो एनाटॉमी ऑफ अ डाइकोटिलेडनस प्लांट, दैट इज डाइकोटिलेडनस एंड मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स, इट इज कन्वीनियंट टू स्टडी द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द मैच्योर जोन्स ऑफ दिस ऑर्गन्स। यहां क्वेश्चन है क्या, तो आंसर है यस। ट्रांसवर सेक्शंस ऑफ द मैच्योर जोन्स ऑफ दीज ऑर्गन्स, बराबर। मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा यहां पे, मेरा क्वेश्चन रहेगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस प्लांट पार्ट्स, इट इज कन्वीनियंट टू स्टडी ब्लैंक ऑफ द ब्लैंक ऑफ दीज ऑर्गन्स। यानी इस पूरे पार्ट में सबसे ज्यादा जो काम की चीज हो रही है वो कौन सी हो गई है अभी, तो वो हो गई है ट्रांसवर सेक्शन ऑफ द मैच्योर जोन, बराबर। सो मैच्योर जोन का ट्रांसवर सेक्शन बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते, लुक एट द फिगर 6.6 है, देखेंगे हम लोग द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द सनफ्लावर रूट। द इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज एज फॉलोज, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रूट इज कॉल्ड एज, ये मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मेरा यहां, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रूट, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रूट, मैंने जानबूझ के ये वर्ड डाला। आंसर मेरा क्या रहेगा, एपिब्लेमा, बराबर। मेनी ऑफ द सेल्स ऑफ एपिब्लेमा, सेल्स ऑफ एपिब्लेमा प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेल्यूलर रूट हेयर। द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थीन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स, मेरा ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो मेरा हो गया फिल इन द ब्लैंक्स का, बराबर। ये जो मेरा क्वेश्चन है यहां, ये वाला, ये भी क्वेश्चन मेरा हो गया लाइन बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, बराबर। मेरा तीसरा क्वेश्चन यहां है, रूट हेयर आर प्रोड्यूस्ड एज प्रोट्रूजन ऑफ सेल्स ऑफ एपिब्लेमा, ये भी मेरा लाइन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब जो मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा, दैट विल बी अनादर टाइप एंड दैट इज नथिंग बट द आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। एनसीईआरटी को समझिए, एनसीईआरटी से ही सब रहेगा, ये याद रखिए। कॉर्टेक्स कैसा है, कॉर्टेक्स बना है सेवरल लेयर्स का, थीन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स का। और जब मुझे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट के लिए किसी चीज को यूज करना है, तो जिन्हें मैं बदल सकता हूं वो कौन से है, तो मैं सेवरल लेयर के जगह कुछ और करूंगा, थीन के जगह मैं थिक करूंगा, और पेरेन्काइमा के जगह मैं कुछ और करूंगा, बराबर। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि दे आर विथ इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, और आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट में ये विथ जो है वो बिकम्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर से मेरा एक लाइन बेस्ड क्वेश्चन यहां बनता है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज,
और उस वक्त जो मेरा क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट विल बी एंडोडर्मिस। बराबर, एंडोडर्मिस ये कितने लेयर का बना हुआ है बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इट इज सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स एंड देर इज नो इंटर सेल्यूलर स्पेस। ये यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हो गई जो अब आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट के लिए। टेंजेंशियल वॉल एंड रेडियल वॉल ये समझना जरूरी है। ये देखिए, ये ऐसी आपके एंडोडर्मिस की सेल है, बराबर, ये उसका सेल लेयर हो गया, कॉम्पैक्ट है ये एकदम। ये जो वॉल होती है ना, इसे मैं बोलता हूँ रेडियल वॉल, या इसे मैं टर्म देता हूँ लैटरल वॉल। ये आउटर है बट इसे मैंने टर्म दिया है टेंजेंशियल, ये एक और ये दूसरा जो है ये इनर। इन सभी पे डिपोजिशन होता है ऐसा, बराबर, इन सब के ऊपर इस तरीके से डिपोजिशन है। और ये डिपोजिशन किस चीज का है कैन बी द क्वेश्चन, और वो हो जाएगा सुबेरीन का। और सुबेरीन के चलते ये लेयर जो हो गई वो सुबेराइज्ड हो गई, और ये मेरे क्वेश्चंस है। टेंजेंशियल वॉल एज वेल एज द रेडियल वॉल्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स हैव अ डिपोजिशन ऑफ कैसा, लेकिन वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुबेरीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसे क्या टर्म दिया है, इसे बोला है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। सो यहां मेरा एक क्वेश्चन बनेगा, जो कैस्पेरियन स्ट्रिप के पार्ट को सुबेरीन के साथ कनेक्ट करवाएगा। कैस्पेरियन स्ट्रिप इज द डिपोजिशन ऑफ आंसर सुबेरीन। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर सीन ऑन एपिडर्मिस। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स शो वाटर इम्परमिएबल नेचर। ये सारे मेरे छोटे छोटे क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज अ फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल रेफर टू एज पेरिसाइकल। ये पेरिसाइकल का स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन जो जाएगा वो लाइन बेस्ड जाएगा और छोटा रहेगा। कैसा रहेगा, नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस द लेयर प्रेजेंट इज, और तब मेरा आंसर क्या रहेगा बच्चों, आंसर रहेगा मेरा पेरिसाइकल। बट मैं अगर पेपर सेट कर रहा हूं ना, तो मैं इस पेरिसाइकल के फंक्शन को लेकर क्वेश्चन पूछूंगा, वो भी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज दोनों। इसके दो फंक्शंस है, इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स एंड वैस्क्यूलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। ये इस जगह से हो रहा, और इसलिए अगर आप ये वीडियोस देखते हो और इससे प्रिपेयर करते हो, तो यहाँ ये जो हाईलाइट किया जाता है उसे कृपया बॉक्स में डाले। ये सारे वीडियोस आपको ये समझाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से और कौन से लाइन से किस टाइप का बनता है। एक्चुअल टीचिंग वाले वीडियोस की लिंक जो है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूँ, साथ में एक पेपर की भी लिंक डाल रहा हूँ। हम लोग डाइकॉट रूट की बात कर रहे हैं, और डाइकॉट रूट का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, द पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस, और यहाँ पे ये स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं यहां से एक एरो निकाल के यही पे मेंशन करूंगा कि मैं ये किसके बारे में बोल रहा हूं, डाइकॉट रूट, क्योंकि मेरा टाइटल कोसों दूर चला गया ना, बराबर। कंजक्टिव टिश्यू की बात होगी, वो पेरेन्काइमेटस सेल से कहां है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में, बराबर, जाइलम और फ्लोएम के बीच में हम लोगों को ये पर्टिकुलर टाइप का पार्ट मिलता है, जिसे हम लोगों ने बोला है कंजक्टिव टिश्यू। और जब सेकेंडरी ग्रोथ हो ना, तो ये कंजक्टिव टिश्यू भी वहां काम करेगा। किसी भी डाइकॉट रूट में यूजुअली दो से चार जाइलम फ्लोएम पैचेस होते हैं,
और इसलिए उसका नेचर हमेशा टेट्रार्च रहेगा और बंडल का टाइप रेडियल रहेगा, और उसका जाइलम कैसा रहेगा तो वो एक्सार्च रहेगा। यानी ये मल्टीपल टॉपिक लिंक क्वेश्चन हो गया। अभी लेटर अ कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलप्स बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, क्योंकि स्टेम के ओपन टाइप ऑफ बंडल में वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, वो वापस से नहीं बनती, वो वहां बिटवीन द बंडल्स बनती है। बट इसे छोड़ के कुछ और इंपॉर्टेंट है क्या? तो यस, लास्ट लाइन इज उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ऑल टिश्यूज टू द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, यहां एग्जामिनर घुमाएंगे आपको भाई, ये है यानी कौन, तो पेरिसाइकल, वेस्क्यूलर बंडल एंड पिथ, ये जो है ये सब मिलके क्या बना रहे, तो स्टील बना रहे। यहाँ के मेरे क्वेश्चंस कैसे हैं? वो मेरे लाइन बेस्ड है, बराबर, समझा, क्लियर। जैसे देखो, स्टील इज कंसिस्टिंग ऑफ, और स्टील इज फॉर्मड बाय, तो मेरा आंसर हो जाएगा पेरिसाइकल, वेस्क्यूलर बंडल्स, और उसके साथ क्या, तो पिट, बराबर। इनर साइड वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट को कपल किया जाएगा इसके साथ, ये पार्ट को कपल करेंगे, और क्वेश्चन क्या बनेगा, पार्ट ऑफ रूट प्रेजेंट इनर टू द एंडोडर्मिस इज नोन एज का आंसर क्या जाएगा भाई, स्टील जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ऐसा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वेरियस पार्ट्स इन द गिवन डायग्राम। अब मैंने आई तक इसलिए किया क्योंकि सबका सब आना चाहिए हमें, बट जब ऑप्शन बनेंगे ना, तो यहाँ एग्जामिनर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में ऑप्शन देते वक्त कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं। सीधे सीधे नहीं रहेगा कभी भी कि ए ये है, बी वो है, सी वो है, ऐसा नहीं, ये ऑप्शन का तरीका बदलेगा। पहले सी के बारे में दिया जाएगा, फिर डी के बारे में दिया जाएगा, कहीं जी के बारे में दिया जाएगा, कहीं एच के बारे में दिया जाएगा, आई के बारे में दिया जाएगा, और फिर बोला जाएगा कि भाई अब तू ढूंढ। ऐसे क्वेश्चन को प्रिपेयर करते वक्त जो है वो हमें डायग्राम में सीक्वेंस तो याद रहेगा, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं सेल के ऊपर से उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं तो मैं प्रॉपर पार्ट पे चल रहा हूं। रूट हेयर जो है उसको लेकर बना यूनिसेल्यूलर, एपिडर्मिस की सेल कौन सी है, पेरेन्काइमा, कॉर्टेक्स के सेल की स्पेशलिटी क्या है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, एंडोडर्मिस की स्पेशलिटी क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये मेरे बुक में होना चाहिए आजू बाजू में। प्रोटोजाइलम कहाँ है, बाहर, आउट है, आउटर है। मेटाजाइलम कहाँ है, इनर है, जिसके चलते ये क्या हो गया, एक्सार्च। पीथ कैसा है, पीथ है डाइकॉट का, तो नेचर क्या, ये इसको बोलते हैं नोट्स बनाना अपने मन से और बाजू में, इनकॉन्स्पिक्यूअस, बराबर। जाइलम और फ्लोएम कैसे है, तो रेडियल बंडल है, ये हो गया ना। यहां अब मैं एक क्वेश्चन और बना सकता हूं, और वो मेरा क्वेश्चन क्या रहेगा, वो रहेगा मेरा क्वेश्चन मैच द कॉलम्स का, जहां मेरा पहला पार्ट रहेगा टाइप ऑफ सेल और दूसरा रहेगा पार्ट।
बट यहाँ देखा जाए तो मोस्टली सभी पेरेन्काइमेटस है, तो टाइप ऑफ सेल तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। और इसलिए अब एग्जामिनर क्या करेंगे, देखो इसलिए वो डायग्राम, पार्ट और फंक्शन, यानी अब इतने सारे लेबल नहीं आएंगे बच्चों, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा और डी आएगा। भाई तू ये चार आइडेंटिफाई कर और इनका स्पेशल फीचर बता, ये क्वेश्चन है। आगे मोनोकॉट रूट, द एनाटॉमी ऑफ द मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू द डाइकॉट रूट इन मेनी रिस्पेक्ट्स। इट हैज़ एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्क्यूलर बंडल एंड पिट। मेरे हिसाब से ये लाइन कोई काम की नहीं, ये क्वेश्चन प्रोड्यूस नहीं करती। हाँ लेकिन ये जो चीज देगी ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बराबर। लाइन आएगी नहीं क्वेश्चन बन के, बट इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगी बेटा, यहाँ पे आपको ऑथर ने सिमिलैरिटी को एक्सप्लेन किया है, बराबर। और आगे क्वेश्चन के लिए रखे हैं डिफरेंसेस यानी कंपैरिजन। ये क्वेश्चन है एज कंपेयर टू द डाइकॉट रूट विच हैव फ्यूअर जाइलम बंडल्स, देयर आर यूजुअली मोर देन सिक्स बंडल्स, बट एग्जामिनर पॉलीआर्च बाद में पूछेंगे, वो सिक्स को पकड़ के रखेंगे। डायग्राम हम लोग देखने वाले हैं, वो हेक्सार्च है, किसका है, मेज का है। दूसरा जो पॉइंट पकड़ने वाले ना एग्जामिनर, वो है पीथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पीथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा तीसरा पॉइंट, मोनोकॉटिलेडनस रूट्स डू नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ। ये पॉइंट्स थोड़े से मेरे इंपॉर्टेंट हो गए। ये तीन पॉइंट्स मोनोकॉट को डाइकॉट से अलग करते हैं। लार्ज एंड वेल डेवलप्ड पीथ बिकम्स इंपॉर्टेंट, बराबर, और डू नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ इंपॉर्टेंट। अब यहाँ मैं अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन के तरफ बढ़ने की कोशिश करूँगा और यहाँ मैं बनाऊँगा अपना क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट का। ये कोई मेरा फेवरेट क्वेश्चन वगैरह नहीं है, और इस साल बहुत आए इसलिए मैं यही क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैं इसके ऊपर इसलिए जोर देता हूँ क्योंकि ये एक टेक्स्ट बुक के लाइन में नॉट, नो, ये सारी चीज़ों को कहाँ फिट करते हैं ये हमें बता सकता है, और उसके लिए इनडेप्थ एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। अब ये डायग्राम जो है वो डायग्राम वाला क्वेश्चन तो वही रहेगा, बराबर। यानी यहाँ क्या होगा, यहाँ पे फिर से वही आएगा ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, बराबर। अब ये सारा पार्ट फिर से क्वेश्चंस वही देगा, और क्वेश्चन कौन सा रहेगा, डायग्राम एंड द लेबल, लेबल एंड नेचर, लेबल एंड फंक्शन। बराबर, और इसलिए मेरा सजेशन ये है कि कम से कम एक बार पढ़ते वक्त हमने खुद अपने हाथ से ये डायग्राम बनानी चाहिए, और उसके लेबल्स के आजू बाजू में लेबल का डिटेल लिखना चाहिए। दैट्स ऑल विद दिस एनाटॉमी ऑफ द रूट पार्ट। अगला वीडियो विल बी ऑन स्टेम एंड लीफ, प्रॉबेबली स्टेम डिफरेंट एंड लीफ डिफरेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।